कटनी पुलिस ने गांजे की अवैध तस्करी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2.5 लाख रुपए का गांजा भी बरामद किया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से गांजा तस्करी के उपयोग में लाई गई कार, 1320 रुपए नगद व 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए। एनकेजे थाना प्रभारी नीरज दुबे ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि कुछ लोग कार में गांजा रख कर कटनी की ओर आ रहे हैं। इलाके की घेराबंदी करके हमने कार की तलाशी ली। तलाशी में कार की डिक्की में 23 किलो 450 ग्राम गांजा रखा मिला, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। नीरज दुबे ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने रमेश उर्फ राहुल पचारिया, गोविंद पचारिया, महेंद्र श्रीवास, अमरीश सिंह और हरिशंकर गुप्ता को गिरफ्तार किया। नीरज दुबे ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के पास से स्विफ्ट डिजायर कार, नगदी व 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस चेकिंग कर रही थी वाहन की। वाहन चेकिंग के दौरान एक कार संदिग्ध प्रतीत हुई, जो भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस बल एवं ममराई गवाहों के द्वारा रोककर उनसे कार को चेक किया गया। पूछताछ करने पर और गाड़ियों को चेक करने पर गाड़ी के अंदर 23 किलो 450 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ एवं 4 आरोपी जो इस गांजे का परिवहन कर रहे थे स्विफ्ट कार के अंदर, ये बरामद हुआ है। बाजार में लगभग इनकी कीमत 2.5 लाख रुपए होगी मादक पदार्थ की, एवं स्विफ्ट कार की कीमत 10 लाख। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।